लेकिन दोस्तों आप लोगों की डिमांड में मैंने ये लक्ष्य बनाने वाली और मशीनें खरीद ली हैं और ये मशीनें आप लोगों के सामने पड़ी हुई हैं। और आज मैं आप लोगों को अपने वेयर हाउस का विजिट भी करवाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी मशीनरी पड़ी हुई है और कितने तक की पड़ी हुई है। चले मेरे साथ, ये देखिए राजन, ये लच्छे वाली मशीनें मैंने आपको दिखा दी है। मेरे पास काफी और भी लच्छे वाली मशीनें पड़ी हुई हैं। ये देखिए राजन, ये भी लच्छे वाली मशीनें पड़ी हुई हैं। और अगर मैं ये दूसरी साइड पे आपको दिखाऊं तो ये भी लच्छा बनाने वाली मशीनें पड़ी हुई हैं। और ये कुछ मेरे पास ग्राइंडर पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा ग्राइंडर है जो मेरे पास है। और ये कुछ तंदूर है जो लाइव नाम नहीं लगते, आप लोगों को पता ही है ये तंदूर पड़े हुए हैं। इसके अलावा नाजन, ये छोटी मशीन है मेरे पास, बिस्किट बनाने वाली मशीन। ये देखिए नाजन, जो जिसका मैंने आप लोगों को रिव्यू भी करके दिखाया था, प्रोडक्ट भी तैयार करके दिखाई थी कि जरिए आप किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ये सारी मशीनें बिस्किट बनाने वाली पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास पड़े हुए हैं वो इसे क्या बोलते हैं, कद्दूकस, जिसके जरिए आप किसी भी चीज को ग्राइंड कर सकते हैं। ये मूली वगैरह को, गाजर वगैरह को आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राइंडर है, छोटा ग्राइंडर है, ठीक है, या जिसे बोलते हैं हम कद्दूकस बोलते हैं। और ये भी हमारे पास ग्राइंडर पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे पास है, ये सारी मशीनें, ये सारी प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है। ये देखिए, ये भी मशीन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो बहुत ही कमाल की मशीन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। बहुत ही कमाल की ये मशीन है, इंशाल्लाह रिव्यू करके दिखाऊंगा आपको। ये सारी मशीनें पड़ी हुई है, ये आप लोगों के सामने है। बिस्किट बनाने वाली मशीनें हैं, ग्राइंडर है, छोटे ग्राइंडर है, बड़े ग्राइंडर है, सारी मशीनें पड़ी है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास पड़ा हुआ है। जिस भी चीज की आप डिमांड करेंगे इंशाल्लाह वो चीज आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे आके विजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके खरीदना चाह रहे हैं, तो वो भी हमने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पे आए, हमें मिले, हमें खुशी होगी कि हमारे भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो नाजिम, उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो छोटा सा वेयर हाउस है, ये जो गरीब खाना है, आप लोगों को पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो एक दिन मैं अपना बड़ा सा वेयर हाउस बनाऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।